कांग्रेस ने हमेशा कार्यकर्ताओं के साथ यूज एंड थ्रो का काम किया। 3-3.5 साल के पहले ही जरा देश वापसी की पुष्टि का मोहर लगा चुके। आप बताओ कमलनाथ जी, दुश्मन सलामत रहे, जंग जारी रहे, तू भी रहो शंकर तिवारी रहे, तो मजा आता है। प्रतिद्वंदी भी जिंदा रहे और शंकरलाल तिवारी भी जिंदा रहे, मतलब आपकी तैयारी चुनाव लड़ने। दोस्तों नमस्कार, मैं रमन सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, 3 बार के विधायक रह चुके शंकरलाल तिवारी जी से। 2023 में विधानसभा चुनाव है, सबसे पहला और सीधा प्रश्न क्या है, इस चुनाव को आप लड़ेंगे? देखिए, मैं जिस पार्टी में हूं उस पार्टी में कौन कार्यकर्ता क्या करेगा यह पार्टी ही तय करती है। वरिष्ठ मेरे जो नेता है वो ही तय करते हैं। पार्टी को मेरी उपयोगिता लगेगी, पार्टी आदेश करेगी, मैं लड़ा हूं, लड़ूंगा। आपकी तैयारियां देखकर लोगों को ये लग रहा कि आप चुनाव लड़ेंगे? ये तो मैं हमेशा करता रहा, जब से मैंने होश संभाला। चुनाव तो मैं अभी लड़ा सन 1998 में, फिर 2003 से लेकर, पर हमारा तो सुबह से शाम तक एक ही काम था, जनसंघ, जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, और इसलिए कोई विशेष तैयारी करने के न मेरी औकात है। मैं सुनता हूँ कि कई बार चुनाव लड़ने के पहले लोगों ने 4-4 गाड़ियां खरीद ली, किसी ने 1 करोड़ की जमीन बेची, किसी ने 2 करोड़ की जमीन बेची, ऐसी कोई स्थिति मेरे सभी साथी और सतना के लोग जानते हैं मेरी है। मेरी तैयारी घर घर में होती है, मेरी तैयारी मेरे साथियों के मन आत्मा में होती है, और मेरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता ये दोनों मिलकर करती है। और इसलिए मैंने आपसे विनती पूर्वक कहा कि यदि पार्टी को मेरी उपयोगिता लगती है तो मैं पार्टी के लिए सहर्ष समर्पित हूँ, चाहे चुनाव का मैदान हो और चाहे लाम का मैदान। लोगों के मत है कि एक बार आप मंत्री बने। मेरा ऐसा सोच है कि आप सबने मुझे सतना की जनता ने और पार्टी ने, मेरे साथियों ने, कार्यकर्ता बंधुओं ने, गरीबों ने, मजदूरों ने मुझे इतना दिया है। ये मंत्री वंत्री बनना ठीक है, साथियों की अपेक्षा हो सकती है, पर मेरे साथी जानते हैं कि 3 बार का विधायक जो भी राजनीतिक कार्यकर्ता है, बुद्धिजीवी, आप स्वयं भी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूरा जीवन आपने पत्रकारिता को लगाया, आप भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये सारी बातें जनता ही तय करती है और जनता ही तय करेगी। जिस प्रत्याशी से आप चुनाव हार गए वो महापौर के चुनाव हार गए, इस पर आप मेरे चूंकि प्रतिद्वंदी रहे हैं इसलिए उनसे तो कुछ नहीं कहूंगा, पर कमलनाथ जी से जरूर कहूंगा। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी जो कांग्रेस कमेटी के हैं जी, पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ जी, बहुत बड़े नेता, उनसे जरूर एक सामान्य कार्यकर्ता भाजपा का होने के नाते एक सवाल मेरे मन में है कि उनसे करूं। आपने अवसर दिया, पता नहीं ये बात उन तक पहुंचेगी कि नहीं। आपने तमाम कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर इंदौर में, उज्जैन में और सतना, 3 विधायकों को पार्टी के टिकट दिए। ये तीनों विधायक कांग्रेस के थे, जीत करके आए थे, आपका अधिकार था टिकट देना, पर इंदौर में भी, उज्जैन में भी, सतना में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का टोटा नहीं था। वैसे कार्यकर्ताओं का टोटा तो पूरी कांग्रेस को है। They have no network in village area or town area or cities, but they have leaders, Twitter leaders, इनके पास बहुत है, 4-4, 6-6 बार के विधायक, 10-10 बार के सांसद, पूर्व लगातार 60 वर्ष आप ही रहे हो, पर आपने जिन 3 विधायकों को चुनाव लड़ाया और वो अपनी सीट में, कोई दूसरे चुनाव नहीं लड़े, लोकसभा लड़े होते
कोई उपचुनाव लड़े होते लोकसभा का, मैयर हारते, अमर पाटन हारते, नागौद हारते, पर सत्ता तो जीतना चाहिए। पर आप 3-3.5 वर्ष हो रहे हैं, चौथा वर्ष चल रहा है, आप 4 वर्ष के विधायकों को आपने चुनाव वहीं से लड़ाया जहां उनका अपना विधानसभा क्षेत्र था। शुक्ला जी भी इंदौर में वो नगर निगम एरिया में उनका भी क्षेत्र था, पर उसके बावजूद आपके विधायक आदरणीय कमलनाथ जी आप बहुत बड़े सांसद रहे हैं, संसदीय मंत्री रहे हैं, ये जनता की अदालत में खारिज कर दिए। ये अपने विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से 3-3.5 साल के पहले ही जरा देश वापसी की पुष्टि का मोहर लगा चुके। आप बताओ कमलनाथ जी, इनकी नैतिकता को मैं नहीं ललकार रहा हूं, क्योंकि ये कार्यकर्ता है और इसमें से एक मेरा प्रतिद्वंदी भी है। प्रतिद्वंदी के प्रति कभी अनाप शनाप बोलना तो अलग विषय है, उसका यश और उसकी अच्छाई मानता हूं। दुश्मन सलामत रहे, जंग जारी रहे, तू भी रहो शंकर तिवारी रहे तो मजा आता है। और इस नाते मैं इतनी पूछूंगा कमलनाथ जी से कि कमलनाथ जी, लोकतंत्र के आप बड़े लंबरदार हैं, ये अलग बात है कि इमरजेंसी लगाने में आप जैसे लोग भी नाचते थे, पर आप भी इमरजेंसी के एक हीरो हैं, आप भी सिखों के हत्या के एक हीरो हैं। और इस नाते आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इन 3 विधायकों से इस्तीफा दिलवाएंगे, क्योंकि उनके क्षेत्र की जनता जिन्होंने वोट दे करके इन्हें जिताया था वह इन्हें खारिज कर चुकी है। ये अपने अपने क्षेत्रों से मतदाताओं का पुष्टि प्रमाण पा चुके हैं कि हम तुम्हें नहीं पसंद करते। आज सतना की हालत यह है, आपने चर्चा की, मैं कहना चाहता हूं ये सतना की हालत यह है कि 1 रुपए का नया काम अगर कांग्रेस पार्टी बता दे कि सतना में कोई आया है, किसी गांव में कोई काम हुआ है, शहरी क्षेत्र में कोई काम हुआ है, आज शहर में जो भी हुआ वो स्मार्ट सिटी का बजट रखा उससे हो रहा है, नगर निगम की अपनी आमदनी जो होती है उससे हो रहा है, राज्य सरकार जो पैसे भेजती है क्षतिपूर्ति वगैरह के उससे चल रहा है। जनता 3.5 साल तक अपने आप को ठगा महसूस करती रही और नतीजा ये हुआ कि जनता का जो आत्मीय पीड़ा थी उन्होंने महापौर ही लड़नी चाहिए। मेरे को तो आज तक यही समझ में नहीं आया, मैं 15 साल आप सबके चरणों के आशीर्वाद से विधायक रहा, पर मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे महापौर होना चाहिए। मेरे कार्यकाल में 3-3 महापौर बने और उनको क्यों लगा या दूसरा कोई नेता ही नहीं था लड़ने लायक इंदौर में, उज्जैन में, सतना में, इसलिए वो लड़ गए। मुझे लग रहा है कि सिर्फ नगर निगम के बजट के लूट, क्योंकि तो तीनों शहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो स्मार्ट सिटी की परिकल्पना थी उन 100 शहरों में शामिल है सतना, उज्जैन और इंदौर। यहां बजट आ रहा है केंद्र से, मुझे लगता है कुछ घिनौनी आंखें उधर थी और इसलिए 5 साल की विधायकी और 3 साल में खारिज। लेकिन आपके ही एक प्रतिद्वंदी बीएसपी से चुनाव लड़े जो पूर्व मंत्री तक रह चुके हैं। मैंने कहा ना पहले जी कि यहां पर क्या कांग्रेस के नेताओं का टोटा था क्या, यहां पर क्या कांग्रेस के नेता नहीं थे क्या? एक बार कमलनाथ जी और कमलनाथ जी की अभी कहां हुई थी, राजस्थान में, क्योंकि भोजन कराने लायक राजस्थान ही बचा है कार्यकर्ताओं, रोकने लायक और तो कहीं बचे नहीं। और इस नाते अभी जयपुर में या कहां हुई थी इनकी ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी, क्या क्या हुई थी वहां पर, इन्होंने किया एक व्यक्ति एक पद, क्या मतलब था? दूसरे कार्यकर्ताओं को अवसर न देने का क्या मतलब था? कांग्रेस ने हमेशा कार्यकर्ताओं के साथ यूज एंड थ्रो का काम किया, नतीजा ये था कि मंत्री रहे दिग्विजय सिंह जी के मंत्रिमंडल में शहीद अहमद, विधायक रहे हैं वो, और उसके बावजूद उनको मैं नहीं मानता कि वो लड़े उन्होंने ठीक किया, पर उनको चुनाव लड़ना पड़ा। कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के मित्रों के बिना सहयोग से चुनाव नहीं लड़ते, और वो जो है तो
आप सब अंदर की जानते हो रघु सिंह जी, कि वो किसके कहने पर चुनाव लड़े, किसने उनको आर्थिक फीडिंग भी की, और सामने है उसके परिणाम कि विंध्य क्षेत्र में भले कमलनाथ जी आप सुनो न सुनो प्रताप बाल शर्मा को भेजो या राकेश चौधरी जी को, पर विंध्य प्रदेश में कांग्रेस यहाँ घर घर में बढ़ चुकी है। स्पष्ट विभाजन, यहाँ दो दो तीन तीन चार चार ग्रुप चल रहे हैं, और आपकी पार्टी की वजीहत बार बार हुई है, बार बार होने वाली। एक चीज आपने कही कि प्रतिद्वंदी भी जिंदा रहे और शंकरलाल तिवारी भी जिंदा रहे, मतलब आपकी तैयारी चुनाव लड़ने की। हम ब्राह्मण के बालक जी, हम धर्म और ईश्वर पर अनुराग रखने वाले लोग, हम कभी किसी की मृत्यु या किसी का अपयश मनाते ही नहीं। वो शब्द एक शायर ने लिखे थे जो मैंने यहाँ कह दिए, मेरा जो विरोधी है या जो मेरे विचारों से लगता है कि आप चुनाव की तैयारी में हैं, आपने अपने नाम को इस ढंग से वो किया, ये लगा कि 2023 की आपकी जबरदस्त तैयारी है। मैंने आपको पहले बताया ना जी, यू आर रेडी फॉर 24 आवर्स एनी पार्टी वर्क, किसी भी पार्टी के काम के लिए, पार्टी के किसी भी आदेश के लिए 24 घंटे हम वचनबद्ध संकल्पबद्ध है। मैंने पहले कहा है, यदि सतना की जनता और पार्टी मेरी उपयोगिता समझती है तो सिर भर जाऊं चाहिए समोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा, मुझे सतना की जनता से 7 जन्म भी उर्ण नहीं हो सकता, इतना मुझे प्यार, इतना मुझे स्नेह दिया है मुझ फकीर जैसे गरीब आदमी को, तो मैं क्यों मना करूंगा कि उनकी सेवा से मैं विमुख हो जाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद।